दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर। इस वीडियो में देखिए आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इन सभी क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखेंगे। अगर आप एस एस सी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल, सीटेट, बीएड और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पार्ट 53 है, इससे पहले पार्ट 52 बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी, तो चलिए जाकर के वॉच कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन के साथ, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कराइए। तो चलिए, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, देखिए इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। एक तो होता है सीटिंग इस तरीके से जो है क्रम में बैठे, इस तरीके से बैठे, वो वाला भी क्वेश्चन कराएंगे, और एक जो है इस तरीके से अगर वृत्ताकार बैठे हुए हैं तो वो भी क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा वृत्ताकार वाला है दोस्तों, कंसेप्ट के साथ ट्रिक के साथ सीखेंगे, टेंशन नहीं लेने का। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उस हिसाब से सारी चीज़ें हम लोग बनाएंगे। कह रहा है कि छः मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ, छः मित्र हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र मुख होकर बैठे हैं। यानी कि यहाँ पर एक वृत्ताकार मेज है और उसका केंद्र यहाँ पे है और छः व्यक्ति हैं, तो एक दो इस तरीके से मैं बना देता हूँ छठो, देखिए ऐसे आप भी बना लीजिएगा, छः व्यक्ति इस तरीके से छठ हो गए, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है छः व्यक्ति हैं और केंद्र की तरफ मुख है इनका, किधर है केंद्र की तरफ यानी इधर मुख है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इस तरीके से मुख करके बैठे हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, कह रहे ए ई के निकटतम बाएं हैं। अब इसमें दायां और बायां, देखिए सबसे जो मोस्ट इसमें चीज़ जाननी होती है वो होती है इसका दायां और बायां, और उसी में कन्फ्यूज़न होती है। तो मैं बता दूं, देखिए एक तरीका तो ये भी होता है कि आप इस तरीके से समझें, दायां जो होता है आपका ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, और बायां जो होता है इनका ये होता है क्लॉकवाइज। एक तो तरीका ये है, ऐसे समझिए बेटर रहेगा, या फिर जो है ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पर मैं जो बिंदी बना रहा हूँ वो उसका दायां है, एक छोड़े एक इस तरीके से मैं बिंदी बना रहा हूँ, ये क्या है इनका दायां है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमको पता चल गया जिधर बिंदी है वो दायां है उनका, और जिधर बिंदी नहीं है वो उनका बायां है। चलिए अब चलते हैं, कह रहे ए ई के निकटतम बाएं हैं, यानी ए जो है ई के, अगर मतलब ई यहाँ पर बनाए तो कह रहे हैं ए जो है ई के निकटतम कहाँ है, दाएँ हैं, सॉरी बाएँ हैं, तो ए को हम इधर बाएँ इसके बनाएंगे, बाएँ किधर है इधर है, तो ए को हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि ए ई के निकटतम बाएँ हैं, तो क्या करेंगे ए को ई के बाई तरफ इस तरीके से, निकटतम है तो बिल्कुल एकदम जस्ट उसके बाद ही बनाएंगे, निकटतम कह रहा है। आगे कह रहा है बी एफ के निकटतम दाएं हैं, कह रहा है कि बी जो है एफ के निकटतम बाएं हैं, तो अभी इसको हम नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कहाँ इसको रखें, यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, यहाँ पर चार जगह खाली है, तो इसके लिए क्वेश्चन को हम और आगे पढ़ेंगे, अभी सारी बातें क्लियर होंगी। आगे कह रहा है कि डी एफ के बाएँ से दूसरे स्थान पर है, ये कह रहा है कि डी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो इसको भी हम नहीं अभी रखेंगे। आगे देखिए, अब कह रहा है ए और सी दोनों के सिरों से उनके बीच की समान संख्या में व्यक्ति बैठे हैं, यानी ए और जो है सी ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनके दोनों तरफ समान व्यक्ति है, यानी इसके कहने का मतलब ए के सामने सी है तभी तो समान होंगे, क्योंकि सी के बगल में भी देखिए दो आ गए, इधर भी दो आ गए, एक इधर राइट लेफ्ट दोनों तरफ दो दो हैं, वही कहने का मतलब है सी के अगल बगल भी समान व्यक्ति हैं और ए के अगल बगल भी समान व्यक्ति हैं, तो सी क्या होगा ए के सामने आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है। अब चलिए वो वाला सेंटेंस उठाते हैं जिसको हमने छोड़ रखा है, यहाँ पर कह रहा है बी एफ के निकटतम दाएँ हैं, क्या कह रहा है बी एफ के निकटतम दाएँ हैं, तो दाया किधर है आपका, आप जानते हैं कि आपका दाया कहाँ है, ये आपका हिस्सा है दाया जो बिंदी वाला इधर, तो हम क्या करेंगे बी एफ के निकटतम दाएं जब है तो बी को हम क्या करेंगे एफ के दाएं बना देंगे, मान लीजिए एफ यहाँ पर रखते हैं तो इसके दाएं हम क्या करेंगे बी को बनाएंगे, वो भी निकटतम कह रहा है, तो क्या करेंगे इस तरीके से बगल साइड में बनाएंगे। इधर क्या कह रहा है डी एफ के बाएँ से दूसरे स्थान पर है, कह रहा है डी जो है एफ के बाएँ से, तो एफ का बायाँ इधर है, किधर है एफ का बायाँ इधर है, जिधर देखिए बिंदी की नहीं लगी हुई उसका बायां है, तो कह रहा है डी जो है एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान सी वाला है, दूसरा स्थान ये डी वाला, यहाँ पर डी आ जाएगा, क्लियर हो गया, सबकी पोजीशन हमने रख दी, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, कह रहा है कि ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, तो ए और एफ के बीच में देखिए बी बैठा है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों तुरंत आप डायग्राम बनाना मत स्टार्ट कीजिए, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ करके क्लियर कीजिए और उस हिसाब से सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देख लीजिए इस चीज़ को मैंने सेट पहले नहीं किया, अगर पहले इसको सेट करता तो हो सकता था कि इधर मैं सेट कर देता तो गलत हो जाता, तो उस हिसाब से ही सेट करना है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सेट होती जाएंगी और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए, ये आपका जो है क्रम वाला है, देखिए क्या कह रहा है,
पी क्यू आर एस टी यू वी एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी समान दिशा के सम्मुख हैं। कह रहा है कि सात व्यक्ति हैं, कितने हैं, देखिए दो दो चार दो छः सात, सात व्यक्ति हैं समान दिशा में, मतलब सभी की दिशा एक समान है, तो हम एक ही तरफ उत्तर की दिशा में इसको डाल दें। ऊपर की तरफ क्या उत्तर दिशा है, तो हम उत्तर की दिशा में डालने का ये फायदा होगा, अभी मैं बता रहा हूँ, दो दो चार एक पाँच छः और सात, उत्तर की दिशा में डालने का ये फायदा होगा कि जो आपका दायां होगा इनका भी वही दायां होगा, और जो आपका बायां होगा इनका भी वही बायां होगा, ये फायदा होता है, इसमें दाएं बाएं में कन्फ्यूजन नहीं करनी पड़ती। क्लियर। अब चलिए, कह रहा है बी पी जो है बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, पी को कह रहा है कि बाएं छोर से, ये बायां छोर है और तीसरा स्थान बाएं छोर से, देखिए ये है, तो कह रहा है कि पी बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, हमने रख दिया। क्लियर है। चलिए इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम रख देते हैं, रख दिया। आगे कह रहा है वी यू के दाएं से चौथे स्थान पर है, कह रहा कि वी जो है यू के दाएं से चौथे स्थान पर है, यानी कि जो है अभी इसको रखेंगे नहीं, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है अब कहाँ रखें वी और यू को, वी यू को कहाँ रखें, तो इस सेट नहीं हो पाएगा, तो आगे पढ़ेंगे। जब चीज़ें कन्फ्यूज खड़ी करें तो उसको छोड़ देंगे वैसे ही, और नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे, ताकि जब क्लियर हो जाएगा फिर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। चलिए आगे कह रहा है पी क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, कह रहा कि पी क्यू के बाएं से, अगर हम क्यू को यहाँ रखेंगे तभी तो इसके बाएं से पी दूसरे स्थान पर आएगा। देखिए एक चीज़ क्लियर हो रही है, क्वेश्चन में जो क्लियर है उसको रख दीजिए, जो क्लियर ना हो उसको साइड में रखिए, बाद में उसको हम बनाएंगे। चलिए एक चीज़ हो गई। अब आगे देखिए आर किसी एक छोर पर है, कह रहा है आर किसी एक छोर पर, अब इस छोर पर है, इस छोर पर है, अभी क्लियर नहीं है, ऐसे छोड़ देते हैं दोनों छोर पर रख के। आगे क्या कह रहा है, एस यू के ठीक बाएँ हैं, क्या कह रहा है, एस जो है यू के ठीक बाएँ हैं। अब यहाँ पर यू और वी को रखने से पहले एक चीज़ और यहाँ पर देख लेते हैं, कह रहा है आर वी के निकटतम है, आर वी के निकटतम, यानी वी यहाँ पर भी हो सकता है और वी यहाँ पर भी हो सकता है। क्लियर है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि एस जो है यू के ठीक बाएं हैं, एस जो है यू के, अगर हम यू को यहाँ रखें तो एस इसके बाएं ठीक यहाँ पर आएगा, अगर यू को हम यहाँ रखें तो एस जो है इसके दाएं आ जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि हम वी को तो यहाँ पर रखेंगे लेकिन यू को कहाँ रखेंगे, देखिए यू को हम रखेंगे यहाँ पर, तभी एस क्या होगा इसके ठीक दाएँ आएगा, यानी आर इस छोर पर होगा। अब वी यहाँ पर होगा तभी तो यहाँ पे सेंटेंस एक कह रहा था कि वी जो है यू के दाएं से चौथे स्थान पर है, यू के जो है दाएं से चौथे स्थान पर वी यहाँ पर है। क्लियर। देखिए एक दो तीन चार सारी चीज़ें हमने रख दी, कुछ छूट रहा है, एक चीज़ छूट रही है, वो एक जगह भी बची हुई है ये वाली, यानी टी छूट रहा है, तो उसको लिखने की मतलब क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि वो चीज़ दी हो, एक बचा है नाम तो एक को वहीं पे हम बैठा देंगे, तो ये आर को हम काट देते हैं। ठीक है, आर को हमने इधर एडजस्ट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्यू के ठीक बाएं कौन है, क्यू कहाँ है उसको देखिए, क्यू कहाँ है, क्यू यहाँ पर है, कह रहा है कि इसके ठीक बाएं, यानी बाया किधर है, इधर है, ठीक बाएं मतलब जस्ट एकदम बगल वाला कौन सा है, टी है, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों समझाने में इतनी टाइम लगी है, एग्जाम में अगर आप सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस रहेगी तो सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है दोस्तों सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पर मिसिंग नंबर क्या आएगा, कह रहा है 120 से जैसे 99 बना 99 से 80, 80 से 63, 63 से 48, तो यहाँ पे वही क्रम में क्या आएगा, यानी ये घट रहा है, घट रहा है, तो कितना कितना घट रहा है, जैसे 120 से 99 हुआ तो घटाएंगे, तो देखिए 120 99 में 21 का फर्क है, यानी -21 किया गया, फिर 99 से अगर 80 देखें तो -19 साफ दिख रहा किया गया, फिर अगर 80 से 63 देखें तो -17 किया गया, और फिर 63 से 48 देखें तो -15 किया गया, यानी इस तरीके से देखिए 21, 19, 17, 15, यानी दो दो के अंतर पर घट रहा है, यानी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, -13 होगा, यानी 48 में से हम 13 घटाएंगे तो हमारा अगला स्टेप आ जाएगा, यानी 35 यहाँ पे आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न से संबंध प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात, यानी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, कह रहा है 1/9 से जैसे 1/81 बनाए, वैसे 1/13 से यहाँ पे कौन सी संख्या बनेगी, तो इसमें सिर्फ बटे वाला मैटर, ऊपर तो एक एक उससे कोई मैटर है नहीं, तो यहाँ पर देखेंगे साफ दिख रहा है कि ये 9 और 81 का जो फर्क है वो स्क्वायर का है, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/81 हो जाएगी, ऐसे ही 1/13 का भी हम स्क्वायर कर देंगे तो 1/169 हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर दोस्तों, जिसका आंसर आप लोगों का है कमेंट कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि जैसे तैरना का संबंध तालाब से है, वैसे ट्रैकिंग का संबंध कहाँ से होगा, यानी तैरा कहाँ जाता है, तालाब में पानी में तैरा जाता है, वैसे ट्रैकिंग कहाँ किया जाता है, ट्रैकिंग दो तरीके की, एक तो मोबाइल वाली ट्रैकिंग होती है तो उसकी बात नहीं हो रही है, टहलने वाली, घूमने वाली, फिरने वाली ट्रैकिंग की बात हो रही है,
तो आप जानते हैं कि टेढ़े मेढ़े रास्तों पे जहाँ टूरिस्ट जाते हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती, तो वो पैदल क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। तो वो ट्रैकिंग की बात हो रही है, पैदल क्या करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाते हैं, मैदानों से जाते हैं, पर्वतों से जाते हैं। तो वो वायु में तो जाते हैं नहीं, समुद्र में तो जाते हैं, नदी में जाते नहीं, मैदान ही में जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि किसी कुड भाषा में नोएडा को 39658 लिखा जाता है तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, नोएडा, नोएडा में टोटल इंडिया के ही वर्ड छिपे हुए हैं, टोटल इंडिया वाले जो अल्फाबेट का यूज़ है टोटल वही है यहाँ पर, यानी कोई ट्रिक इसमें नहीं लगेगी, डायरेक्ट आपको रख देना है। क्या रख देना है, आई देखिए एन है, एन की जगह थ्री है, तो यहाँ पर एन ढूंढिए और थ्री रख दीजिए। ओ है, ओ की जगह नाइन है, तो ओ ढूंढिए, देखिए कहीं पे है, नो इंडिया में ओ नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़िए उसको। अब यहाँ पर जो है आई है, तो आई की जगह पर यहाँ पर छः लिखा हुआ है, तो आई की जगह छः लिख दीजिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब डी है, डी की जगह पाँच है, तो डी की जगह हम पाँच लिख देंगे, और ए की जगह दोस्तों आठ है, तो आठ लिख देंगे, यानी 63568, 63568 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का ये भी क्वेश्चन है, कह रहे यदि धूल को वायु कहा जाए, वायु को अग्नि कहा जाए, अग्नि को जल कहा जाए, जल को रंग कहा जाए, तो रंग को वर्षा कहा जाए, तो वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहती हैं, मछलियाँ कहाँ रहती हैं, जल में रहती हैं। मगर जल को कह क्या रहा है वो देखिए, इसमें कह रहा है कि जल को रंग कहा जाए, क्या जल को रंग कहा जाए, तो मछलियां जल में रहती है, लेकिन यहां पर हम रंग में रहने का कहेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जल को उसने रंग बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर दोस्तों कह रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम जानेंगे इन दो डायग्राम से कि ये कौन किस कंसेप्ट किस ट्रिक से दोस्तों आया हुआ है, सारा मैटर क्या है, तो उस हिसाब से हम निकालेंगे। देखिए 52 है, अगर 21 और 27 को हम जोड़ें तो 7 + 1 = 48 होगा। 52 लाने के लिए कम से कम इसमें हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। ऐसे अगर इसको हम जोड़ते हैं तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 44 / 22 = 34 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ट्रिक नहीं लगेगी। एक और ट्रिक है, चलिए उसको देख लेते हैं क्या करना है। अब यहाँ पर 52 है और क्या करेंगे, 21 है और 27 सबको जोड़ लेते हैं। देखिए 7 + 1 = 8 = 2 = 10, 2 × 2 = 4 = 5 और 5 × 5 = 10, कितना हो गया 100 आ रहा है। चलिए यहाँ पर भी देखते हैं दूसरे डायग्राम में, 34 + 22 + 44, देखिए तो क्या आ रहा है, 4 × 2 = 10 और 4 × 2 = 3 = 10, यानी कि दोनों में 100 आ गया। यानी कि यहाँ पर भी हम सबको जोड़ने पर 16 + 71 + 1 जोड़ने पर 100 आएगा। तो इस यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल करके कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट कह रहा, नीचे किसी पासे की 3 विभिन्न स्थितियाँ दी गई है, 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। पहले हम 4 को ढूंढते हैं, कहाँ है 4 को हमने ढूंढा, यहाँ पे। तो इसकी बहुत सारी ट्रिक है दोस्तों, जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से उस ट्रिक को हम अप्लाई कर देंगे। तो पिछले को वीडियो में बहुत सारी ट्रिकों के बारे में मैंने बताया है कि जनरल पासा स्टैंडर्ड पासा के बारे में, तो यहाँ पर कुछ अलग ट्रिक लगेगी, उन सबसे इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्यों, यहाँ पर देखिए 4 है, 4 के विपरीत पूछ रहा है, यहाँ पर भी 4 है। अब 4 के बगल में 5 दिया हुआ है, 4 के बगल में 3 दिया हुआ है, 4 के बगल में क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, तो ये 4 के विपरीत कभी नहीं आ सकता। आप जानते हैं जो उसके बगल में दिया हुआ विपरीत आएगा नहीं, और यहाँ पर 4 के बगल में 6 दिया हुआ है, 4 के बगल में 2 दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों भी 4 के विपरीत आएगा नहीं। और एक पासे में आप जानते हैं 6 ही नंबर होते हैं, यहाँ पर 5 नंबर आ चुके हैं, एक नंबर बचा हुआ है, वो है 1, यानी 4 के विपरीत क्या आ जाएगा, 1। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि एक दौड़ में हरी आगे तथा पीछे दोनों तरफ से 5वें स्थान पर है, यानी कि हरी यहाँ पर है, हरी दौड़ रहा है, इधर से भी 5वें स्थान पर है, ठीक, और इधर से भी 5वें स्थान पर है, तो बताइए कि कुल कितने लोग दौड़ रहे हैं, कितने लोग दौड़ रहे हैं। तो हमें कुछ करना नहीं है, इन दोनों को जोड़ लीजिए 5 + 5 और उसमें से एक को घटा दीजिए, आएगा 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। आगा देखिए कह रहे, यदि परसों शुक्रवार है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है दोस्तों, इसमें आप कन्फ्यूज़ कर जाएंगे। कह रहे यदि परसों की बात कर रहे हैं, परसों शुक्रवार है, यानी जो बीता हुआ परसों की बात कर रहा है, जो गुजर चुका है परसों उसकी बात कर रहा है। मान लीजिए कि परसों शुक्रवार था, क्या परसों क्या था, शुक्रवार था, तो कल क्या रहा होगा, जो बीता हुआ कल है, कल क्या रहा होगा, तो शुक्र के बाद क्या आएगा, शनि आएगा, क्या आएगा, शनि। यानी कि आज क्या रहा होगा, आज के दिन, तो आज कहेंगे कि रवि रहा होगा, ठीक, क्लियर इतना, रविवार। तो कह रहे आगामी परसों, आगामी परसों पहले यहाँ से निकाली, उसके बाद अगला सेंटेंस देखेंगे। कह रहा आगामी परसों, यानी आज है तो ये कल हो जाएगा, आने वाला कल, आगामी परसों की बात कर रहा है, आने वाले परसों की, आज है तो ये कल हो जाएगा और ये परसों हो जाएगा, यानी आगामी परसों। तो ये रविवार है तो ये सोमवार हो जाएगा, क्लियर, और फिर ये मंगलवार हो जाएगा, क्लियर। कह रहा कि आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। अब इसके बाद तीसरा दिन क्या होगा, यानी कि इसमें हम मंगल में हम 3 जोड़ेंगे, तो मंगल, बुध,
बृहस्पतिवार एंड शुक्रवार, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर रहा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कि यदि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तदनुसार ए डी से क्या रिश्ता रखता है। कह रहा है कि ए जो है बी की क्या है, बहन है। क्लियर। आगे कह रहा है सी बी की माँ है, आगे क्या कह रहा है, सी जो है इस बी की क्या है, माँ है। तो इस बी की जब माँ है तो ए की भी माँ होगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि सी ए क्या है, ए बी की बहन है, तो ए जो स्त्री है ये मतलब फीमेल है, और सी जब माँ है तो सी भी फीमेल हो गई। आगे कह रहा है डी सी का पिता है, आगे क्या कह रहा है, जो डी है इस सी का पिता है। आगे क्या कह रहा है, ई डी की माँ है, ई जो है डी की क्या है, माँ है, यानी कि ये भी फीमेल है और ये मेल है। क्वेश्चन क्या करता है, ए डी का क्या रिश्ता है, ए और डी का क्या रिश्ता है। अब सोचिए कि ए आप हैं, ए आप हैं ऐसे समझिए, तो सी जिस आपकी माँ है और सी के पिता डी हैं, तो आपके माँ के पिता आपके क्या लगते हैं, आप कहेंगे नाना लगते हैं। तो जब नाना लगते हैं तो अपने नाना के आप क्या लगेंगे, अगर आप लेडीज़ हैं तो नातिन लगेंगे, अगर आप जेंट्स हैं तो नाती लगेंगे, तो नतनी हो जाएंगे, सॉरी नातिन नहीं कहते उसको, नतनी कहते हैं, क्या कहते हैं, नतनी कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर देखिए मैं पहले ही माइनस बना चुका, ये फीमेल है तो ये हो जाएगी क्या, नतनी, अगर मेल होती तो क्या होता है, नाती होता। क्लियर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका सिलोजिज्म टाइप क्वेश्चन है, कह रहा वक्तव्य दिया हुआ है, कथन की जगह वक्तव्य है, कोई दिक्कत नहीं, उसी टाइप से ही इसको भी सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। यहाँ पर कह रहा कुछ पक्षी बादल हैं, देखिए जो आपका वक्तव्य दिया हुआ है उस हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम, और फिर निष्कर्ष को देखेंगे उसी हिसाब से कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, उस पर हम टिक लगा देंगे। पहले कह रहा है कुछ पक्षी बादल हैं, क्या कह रहा है कि कुछ पक्षी जो हैं बादल हैं, देखिए ये मान लीजिए आपका क्या है, पक्षी है, ये क्या है आपका, पक्षी है, तो कह रहा है कि कुछ पक्षी, कुछ कहे तो थोड़ा सा हम मिलाएंगे, कह रहा है कि बादल है। ठीक, आगे कह रहा है घोड़ा एक पक्षी है, घोड़ा क्या कह रहा है कि एक पक्षी है, तो पक्षी के अंतर्गत हम घोड़ा को इस तरीके से डाल देंगे, ये क्या होगा, घोड़ा क्या है, एक पक्षी है, तो घोड़े को पक्षी के अंदर हम ऐसे डाल देंगे। अब चलिए चलते हैं अपने निष्कर्ष की तरफ, कह रहा है कुछ बादल पक्षी हैं, कुछ बादल पक्षी हैं, तो ये हिस्सा देखिए पक्षी और बादल का ये हिस्सा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये तो आपका 100% से हो रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर, आगे कह रहा है घोड़ा बादल नहीं है, घोड़ा कह रहा है बादल नहीं है, ये घोड़ा और बादल का संपर्क कह रहा है कि नहीं है। देखिए इसमें दो तरीके कंसेप्ट बने, एक तो डायग्राम देख करके आप कह देंगे कि नहीं नहीं है, लेकिन दोस्तों ये जब कह दिया कि कुछ पक्षी बादल हैं और घोड़ा पक्षी है, तो ये घोड़ा जब पक्षी हो गया तो जो कुछ पक्षी बादल हैं, हो सकता है, मैं भी हो सकता है कि ये घोड़ा उसी पक्षी में रहा हो जो बादल हो सकता है कि वो घोड़ा वही रहा हो जो कि जो पक्षी वाला वो हिस्सा है वो बादल हो, तो इस कंडीशन से देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष एक निकलेगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये होता है कन्फ्यूजन वाला सिलोजिज्म में, यही सारी कन्फ्यूजन इसमें होती है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहे चंद्रमा का संबंध जैसे रात से, सूर्य का संबंध किससे हुआ, चंद्रमा क्या करता है, रात को चमकता है, रात को दिखाई देता है, तो वैसे सूर्य कब दिखाई देता है, दिन में दिखाई देता है। क्लियर, ये तो 100% बच्चे कर लेंगे, बहुत ईजी था। अब यहाँ पर कह रहा है कि जिस तरीके से कैट का संबंध DDY से बिक का संबंध किससे होगा, यहाँ पर जरूरत पड़ेगी हमें A to Z 1 से लेकर 26 तक नंबर की, क्यों, जैसे कैट है ना, कैट का क्या होता है, सी का 3 होता है, 1 का 1 होता है, T का 20 होता है, तो DDY बन रहा है, इसकी जगह पर क्या बन रहा है, DDY, D होता है 4, D होता है 4 और Y होता है 25, तो किस हिसाब से बढ़ा, देखिए 3 से 4 बना, यानी C से D बना, तो नंबर 3 से 4 बढ़ा, यानी कि +1 हुआ, फिर 1 से 4 बन रहा है, A से D बन रहा है, तो 1 से 4 हो रहा है, यानी +3 हो रहा है, और फिर T से देखिए 25 हो रहा है, 20 से 25, तो ये +5 हो रहा है, यानी कि 1, 3, 5 के रूप में ये बढ़े हैं। तो सेम यहीं पर भी वही ट्रिक लगा देना, ये 2 होता है, I 9 होता है, जी आपका 7 होता है, तो पहले में 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, तीसरे नंबर पर सी आता है, दूसरे में क्या करेंगे 3 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12वें नंबर पर एल आता है, तीसरे में भी दोस्तों क्या करेंगे 5 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा, ये भी एल होता है, तो CLL देखिए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि इनको सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी इधर उधर दिए हुए हैं इनको अपने क्रम में व्यवस्थित करना, उसको पढ़ेंगे अपने हिसाब से, उसको फिर एडजस्ट करेंगे, सेट करेंगे, इनके क्रम को ठीक करेंगे। कैसे, पहले नंबर पर रोगी दिया हुआ है, दूसरे पर रोग का पता करना लिया, तीसरे पर बिल दिया हुआ, चौथे पर डॉक्टर दिया हुआ, पांचवें पर उपचार दिया हुआ, यानी कि हमें डॉक्टर के पास जाकर के उपचार करना है, हमें अगर कोई रोग है तो, इसके कहने का मतलब यही है सेंटेंस का। तो सबसे पहले आपको जब तक रोग नहीं रहेगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, आपको रोग होगा यानी पहले नंबर वाला, तो उसके बाद आप चौथे नंबर वाला यानी डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक, डॉक्टर क्या करेगा, आपके दूसरे नंबर वाला रोग का पता करेगा, क्लियर हो गया, और उसके बाद पांचवें नंबर वाला उसका उपचार करेगा,
उपचार करने के बाद बिल बनाएगा मोटी तगड़ी आपको ठगने के लिए, तो तीसरे नंबर वाला। तो हो गया आपका काम 1, 4, 2, 5, 3, 1, 4, 2, 5, 3 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बस मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, कंसेप्ट बता देता। देखिए यहाँ पर दिया हुआ 3, 6, 2 उसके बाद 1, 121, 10, 2, 3 उसके बाद 225, तो यहाँ पर कह रहा है कि 100 कैसे आएगा, तो यहाँ पर मिसिंग नंबर 100 तो दिया हुआ है, यहाँ का मिसिंग नंबर ढूंढ रहा है। तो किया क्या है, देखिए सबको जोड़ दिया 3, 6, 2 को, 3 + 6 + 2 को जोड़ दीजिए, 7, 3, 9, 2, 11 हुआ, उसका स्क्वायर कर दिया तो 121 हो गया। यहाँ पर भी देखिए 10 उठाया है, 2 उठाया है, 3 उठाया है, 10, 2, 12, 3, 15, 15 का स्क्वायर कर दिया तो 225 आ गया। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, x + 6 + 1, तो इसको दोस्तों 100 बना लेंगे। अब x की वैल्यू इसका स्क्वायर करके, सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर का चिन्ह बनाएंगे, होल का स्क्वायर का, और उसको 100 बना लेंगे। अब आपको हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए, मैं साल भी कर देता हूँ, तो अगर आप लोग साल कर चुके हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, और देखिए मिला लीजिएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे, अंदर का पहले जोड़ लेंगे, 6 × 7 हो जाएगा, यानी x + 7 हो जाएगा, तो ये इधर की कड़ी में चली जाएगी संख्या, क्लियर। तो ये बाहर आएगी तो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, यानी x + 7 = 10 हो गई, x बराबर हो जाएगी 10 - 7 यानी कि 3। ऑप्शन देखिए बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए वैसे भी देख लीजिए 36, 9, 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ चावल सरसों चुकंदर, चावल सरसों चुकंदर, ये सारी चीज़ें आपकी अनाज और सब्जी और से रिलेटेड है। तो चावल देखिए आप जानते हैं कि क्या होता है, अनाज होता है, सरसों भी एक तरीके से ये तिलहन होती है, चुकंदर सब्जी में आता है, यानी कि ये तीनों चीज़ें का ध्यान देंगे तो भिन्न है कि नहीं। देखिए तिलहन है सरसों, ये सरसों क्या है दोस्तों, तिलहन में आती है क्योंकि ये तेल देती है। चावल जो होता है दोस्तों अनाज में आता है, और चुकंदर आप जानते हैं सब्जी में आता है। तो अगर अनाज में कोई होता तो उन दोनों में कुछ रिलेशन निकलता, दो चीज़ें अनाज में होती जैसे चावल गेहूँ होता या उस टाइप से कुछ होता, लेकिन सभी की सभी चीज़ें भिन्न है, सभी की सभी चीज़ें क्या है, भिन्न है। तो इस तरीके से भिन्न ही इनका बनेगा, यानी डायग्राम जो है अलग अलग बनेगा, इस तरीके से दिया हो चाहे इस तरीके से दिया हो डायग्राम भिन्न रहेगा, यानी कोई इनमें रिलेशन नहीं बन पाएगा। तो देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब यह आ गया काउंटिंग फिगर का, बहुत शानदार है, जरा बताइए इसका आंसर। कह रहा है निम्न चित्र में आयत की संख्या ज्ञात करो, तो आयत की संख्या निकालने की एक जबरदस्त ट्रिक पहले जानिए। इस तरीके से अगर हो 1, 2, 3, 4 खाना है, इसमें आयत की संख्या कैसे निकालेंगे, इसी नंबरिंग कर लीजिए 1, 2, 3, 4। अब क्या कीजिए, इन सबको जोड़ लीजिए, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, इसमें आयत की संख्या हो गई 10। अब इस टाइप का इसमें फिगर ढूंढिए, आपको ये दिखेगा, ये दिखेगा, इसकी नंबरिंग कर लीजिए 1, 2, 3, 4, कितने हो गए, 10 हो गए बीच वाले में, चलिए ठीक है 10 हो गए। अब इसको हम अलग करेंगे, इस डायग्राम को अलग करेंगे, इसमें जो बड़ा वाला मैंने बनाया वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक ये पतला होगा ऊपर, एक पतला नीचे, ये 2 हो जाएगा। और अब देखिए, अब ये जो डायग्राम बनेगा, ये वाला हिस्सा ये 1 बजेगा, यानी 1 ये हो जाएगा, तो टोटल हो गए 4। सेम फिगर यहाँ पर भी वही बनेगा, इस तरीके से पहले बड़ा वाला और ये 4, यानी कि 4 इसमें भी बनेंगे, 4 × 4 = 8 हो जाएगा, यानी 10 में 8 जोड़ देंगे तो आपका 18 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे शानदार धमाकेदार ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।